कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसी काली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो का टाइटल है थैंक यू मोदी जी, पाक पीएम रिप्लाइड आफ्टर वन डे। सो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इंडी प्लस न्यूज में। दोस्तों इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है पड़ोसी देश पाकिस्तान से। एक तरफ दुनिया के देश हैं जो पाकिस्तान के ऊपर डॉलरों की बरसात कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर दुनिया का कोई और पाकिस्तान का मित्र देश हो, पाकिस्तान के लिए या तो वो फ्लड की एड भेज रहा है या फिर मनी का अनाउंसमेंट कर रहा है। यही कारण है कि पाकिस्तान के पैर आजकल ज़मीन पे नहीं लग रहे हैं और भारत को लेकर वो समय से पहले ही ऐसी टिप्पणियां कर देता है जिससे भारत का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। हाल ही में दोस्तों फ्लड आया था, भारत के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दुख जताया, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को एक दिन लग गया भारत के प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देते हुए। हालांकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इतने भी व्यस्त नहीं हैं कि उन्हें भारतीय प्रधानमंत्री के ट्वीट का जवाब देने का समय ना मिला हो, लेकिन ये जवाब देने से पहले, भारतीय प्रधानमंत्री के धन्यवाद करने से पहले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के इम्पोर्ट के ऊपर एतराज जरूर जता दिया। दरअसल पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने ही कहा था कि हम भारत से कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट के आते आते ही शाम हुई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वर्चुअल मीटिंग के अंदर ये बात बोल दी कि जम्मू एंड कश्मीर के नाम पर हम भारत से इम्पोर्ट नहीं करने वाले हैं। दोस्तों पहले ही अपने मुँह उठाकर पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं भारत से चीज़ें इम्पोर्ट करने की बातें बोल देते हैं और फिर उनके प्रधानमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम कोई भी सामान इंपोर्ट करने वाले नहीं है। और फिर तीसरी बात अब यह हुई है दोस्तों कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है और उनका कहना है कि इस मुसीबत की घड़ी में आपने हमारे साथ दुख साझा किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद। और पाकिस्तान के लोग बहुत स्ट्रांग हैं और हम सब पाकिस्तान के लोग मिलकर अल्लाह की ग्रेस से इस मुसीबत की घड़ी से भी निकल जाएंगे। दोस्तों ये सारी सिचुएशन बन गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। भारत तो सोच रहा था कि हम पाकिस्तान को मदद भेजें, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को शायद तक मदद की ज़रूरत ही नहीं है। अब दोस्तों आपका क्या कहना है? वैसे पाकिस्तान के हालात तो बुरे हैं, आधे एक तिहाई पाकिस्तान जो है वो आजकल इस बाढ़ की सिचुएशन से प्रभावित है। 21-22 करोड़ की आबादी है और उसमें से 3.3 करोड़ लोग प्रभावित है, लेकिन बहुत बड़े इलाके में बाढ़ के कारण तबाही है, तो इस कारण से ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान के लिए भारत को मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान के तो जब भी एक समय बदलता है तब सी पाकिस्तान का जो बयान है वो भी बदल जाता है। तो वैसे भी पाकिस्तान को मदद करने वाले देशों की जो लिस्ट है वो लंबी ही होती जा रही है। यूनाइटेड नेशन, अमेरिका, चाइना, तुर्की, यूएई, कतर, अजरबैजान और इसी के साथ ही बहुत से मुस्लिम देश हैं जो पाकिस्तान का ख्याल रख सकते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान भी भारत को सीरियस नहीं ले रहा है और इस सिचुएशन में हमें भी पाकिस्तान को सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी सरकार अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से सब कुछ चलती है। आपका क्या कहना है दोस्तों, कॉमेंट में बताइएगा। जी जनाब, मुझे एक बात समझ नहीं आती, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, पीएम कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं, मतलब इनकी ये क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है? सही कह रहे हैं, क्या एक पेज पर आकर बात नहीं करते? इनकी कोई मीटिंग्स नहीं होती, बातचीत नहीं होती, कोई एक कम्युनिकेशन नहीं है, क्या है ऐसा? आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखिए आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हो सकता है, हाँ, कि हम ट्रेड करें, हो सकता है हम ट्रेड करें, पीएम ने मना कर दिया। इसकी वजह ये भी होती है कि सबसे पहले तो एक ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट होती है ना, ऑर्गेनाइज यानी कि जिनमें एक डिसिप्लिन होता है, जिसमें जिसके अंदर एक चीज़ें पत्थर पे लकीर बातें होती हैं, एक बयानिया जाता है। मुझे वो वीडियो नहीं भूलती लंदन टॉप वाली, जिसमें वो बता रहे थे कि बीजेपी का तरीक़ेकार क्या है। यकीन करें मैं कहता हूँ दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको गवर्नमेंट पार्टी को चलाने के लिए ना
कि किस तरीके से एक पार्टी चलती है उसको उस किताब को पढ़ के सीखना चाहिए। तो किस तरीके से एक एक बयानिया जाता है कि आपने ये बोलना है, पीछे बैनर लगवा दो, उस पर क्या क्या लिखना है, क्या क्या तस्वीर होगी, सारा ऊपर से आता है ऑर्डर। आपने कुछ बोल दिया पार्टी ने, अच्छा एक ये चीज़ें होती हैं, लेकिन इन चीज़ों का तरीक़ेकार होता है कि क्या उसने बोलना है, कब बोलना है, क्या लफ्ज़ लिखने हैं, फिर मैंने क्या बयान देना है। यूँ समझ लो कि उन्होंने अपनी राय दे दी, मतलब वो एक 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 ऐसा लगता है कि कोई एक इन सबको एक चलाने वाली कोई चीज़ भी नहीं है। यहाँ से अंदाज़ा लगा लें नॉन प्रोफेशनल तरीका कि एक प्राइम मिनिस्टर की भांजी मरियम नवाज वो किसी जगह जाती है और लोगों के सर पे हाथ रखती है, लोगों को गले लगाती है, गरीब आवाम को, और ऐसा लगता है कि शायद अब ये चंद 8-10-20 लोग थे वहाँ पे, जो भी थे 50 लोग थे, मदद करके ही आएंगी। कॉमन से इतना तो दिख गई, तो ऐसा लगता है कि इनकी मदद हो गई। पीएम की बेटी बच्ची जी, वो तो एक बहुत बड़ी बात है ना कि वो कहीं जाएगी तो हेल्प करेगी, जाहिर है लाखों और लोग उनकी ना करें, उनकी तो करेगी जिनके घर। बाद में यूट्यूबर वीडियो बना रहे हैं, उस खातून से इंटरव्यू ले तो वो कह रही है कि एक टक्का नहीं दिया मुझे, वो बोला आप तो बड़ी खुशनसीब आपसे मिली, मैं खुशनसीब दफा, मतलब यहाँ से नौ। अच्छा ये उनको फ़र्क नहीं पड़ता था कि मैं इनको 2-4 हज़ार ना दूँ, उन्हें 2-4 हज़ार की कोई फ़र्क ही नहीं, वो लाखों के तो जूते पहनती है, ठीक है ना, कितने का पर्स, लाखों के तो पर्स है उसके, एक पर्स ब्रांड, ठीक है ना, तो वो 2-5-10 हज़ार से उससे फर्क, उसे ये नहीं पता था कि ये कल को मुंह भी फट सकती है, उन्हें ये सेंस नहीं था कि कल को कोई इनका इंटरव्यू भी ले सकता है कि आप मरियम नवाज ने आपको गले लगाया तो आपको तो अच्छा खासा हिसाब हो गया होगा, आपकी तो वह हेल्प हुई होगी। बात ये हो रही थी कि इतना अनऑर्गेनाइज काम हो रहा है कि जिसको आप गले लगा रहे हो कम से कम उसका तो कुछ भर दो, ताकि वो कल को किसी और को ना बोले कि मुझे। बिल्कुल बात तय है जो आपने कही है कि 10-15-20-25 हज़ार से 50 हज़ार से भी उनको फर्क, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितना वो इलाइट क्लास जीती हैं और जितना जिस तरीके की ब्रांडेड चीज़ें वो पहनती हैं उनके लिए तो लाखों कुछ भी नहीं है। क्या उनको अकल नहीं थी या कंजूसी का ये मुकाम था कि एक रुपया भी नहीं देना इन लोगों को? क्योंकि देखिए आप सैलाब जदगान में से कोई एक इंसान है, कोई मेरे सामने है, मैं बिल्कुल आम हूँ मैं, लेकिन मुझे भी इतनी अकल है कि इसकी कुछ ना कुछ तो मदद कर ही देनी है, जितने मेरे पास पड़े हैं मुझे वही दे देने, समझ रहे हैं आप बात को, एक सिस्टम से बंदा आया होता है। वो चीज़ नहीं समझ पा रही हूँ कि उनको अकल नहीं थी, शऊर नहीं थी, या उनको ऐसा लगा कि ये बाद में किसी को बोलेंगी ही नहीं, मुझे तो अपनी पिक्चर्स बनवानी है और वीडियो बनवानी है, क्योंकि मुझे तो एक काम करना है, एक टैग दिखाना है कि तो, जी मैं गई उनके पास। टैग भी दिखाने का खर्चा होता है, कम से कम चार्जेस ही दे देते हैं उनके, फोटोशूट के चार्जेस 5,000 में भी वो खुश हो जाते हैं, वो जैसे लोग बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, 1,000 रुपये भी बहुत थे लेकिन कम से कम देते। अच्छा दूसरी चीज़ इन्होंने ये कही कि पीएम मोदी जी के ट्वीट का जवाब देने में एक दिन लगे, मतलब ये जाहिर कर रहे हैं कि हम शायद बहुत बिजी हैं या हम मतलब बहुत मसरूफ हैं। कहाँ बिजी हैं, मतलब वही ना कि शायद तो है नहीं कोई उनको, कहाँ बिजी हैं, तो वही है ना कि यही इसी वजह से बिजी हैं कि कोई सुनता क्यों नहीं। गहरी बात कर दी आपने, चिल्ले काट रहे। अच्छा खैर बे, मुझे एक चीज़ जो बहुत अजीब व गरीब से लगी उस पर बात थोड़ा सा करना चाहूँगी मैं, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे, वो हैं मिफ्ता इस्माइल। बिल्कुल, तो उन्हें ये नहीं पता मुस्कुराना कब है आगे। फिर मैं ये सोच रही हूँ, खुद मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हर वीडियो देख कर दो कि क्या वजूहत रही। उन्होंने जब स्टेटमेंट दिया तो यकीनन कुछ लोगों से तो कंफर्म किया होगा, ऐसी तो ट्वीट नहीं कर देते कुछ, क्या मतलब खुद फाइनेंस मिनिस्टर अपने करीबी लोगों से तो चलो कर ही लिया होगा। फिर पीएम ने एक ट्वीट किया उनके ट्वीट के बाद, और उन्होंने ये कहा कि जी हमें नहीं करनी है, हम जब तक कश्मीर का मुद्दा उसके ऊपर हम नहीं करना चाहते ट्वीट, है ना। तो मुझे एक बात ये नहीं समझ में आ रही कि जब उन्होंने ट्वीट किया होगा तो क्या उनके ऊपर गिरा नहीं गुजरी होगी कि मैं बोल चुका हूँ, मैंने तो ट्रेड की बात कर दी, मैंने तो सोशल छोड़ नहीं, दिया नहीं, था, मैंने तो थोड़ा सा बोल दिया था। और आपको आपको इस बात को लेके इज्जत नफ्स आ रही है, यहाँ पे कोई इज्जत नफ्स नहीं होती सियासत में, आपको इज्जत नफ्स की जो धागा है उसको काट के सियासत में आना होता है। आपको ये तो सोचना चाहिए क्या अच्छा क्या बुरा क्या बेहतर क्या बदतर, ये तो होगा ना, मुल्क के लिए तो सोचा जा सकता है ना। एक पेज पर आकर और दूर की बात, अपनी जात की इज्जत नफ्स खत्म हो गई है, आप कुछ बोल लें कल कुछ बोल लें, उसके लिए कह दें सॉरी ये तो नहीं था ये था, उन्होंने तो गलत बोल दिया था, उन्होंने ये बोल दिया, तो कोई मसला ही नहीं। कोई एक होता है ना कि एक इज्जत नफ्स होती है, एक इंसानियत होती है, एक एहसास होता है, एक फीलिंग होती है, ये मर चुकी है, इमोशंस नहीं, ये मर चुकी है, मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से कि मैंने कल क्या कहा था और पीएम ने क्या कहा था, उन्हें कोई फ़र्क नहीं। खुशी हो गई थी मुझे बहुत ज़्यादा, दिल से खुशी हो गई थी कि ट्रेड होगा। अच्छा ये बीच में भी हमने ये बात सुनी थी ट्रेड वाली, फिर बीच में बंद हो गई, फिर बात ख़त्म हो गई,
और अभी जो है कि कुछ आसरा हो रहा था कि शायद ट्रेड हो, और मोदी जी हेल्प का भी सुनाई दे रहा था कि यहाँ से कोई हेल्प भी आएगी। ना मैं खुद पर्सनली ये सोच रही हूँ, ठीक है हमारे तो इमोशंस मर गए, आप कह रहे हैं हमारे तो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, कोई कुछ कहते, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ कहते, पीएम कुछ कहते, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सामने से एक दूसरा कंट्री आपकी मदद करना चाहे, वो डोनेशन की भी बात हो रही थी कि वो मदद करेंगे, वो देंगे कुछ ना कुछ, तो अब वो क्या सोचेंगे? सबसे पहले अगर किसी भी देश में प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले पड़ोसियों का हक बनता है, मतलब मदद का उनका फ़र्ज बनता है, हक नहीं बनता, फ़र्ज बनता है। तो उन्होंने इसके लिए रिस्पांस दिया भी है, लेकिन अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इसको मतलब कुछ बहुत कुछ कहना कबल वक्त होगा, लेकिन देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन ये है कि उम्मीद है कि जिस तरीके से जो हालात हैं, एड तो बहुत आ रही है, मदद तो बहुत आ रही है, दुआ है हमारी, हमें खुशी हो कि ये सही हकदारों तक पहुँचे। अगर यहाँ के सियासतदानों के हत्थे लग गया तो फिर तो शायद उम्मीद नहीं है कि उन तक पहुँचे। अगर फ़ौज के हाथ लगा, फ़ौज के जो जवान हैं उनके हाथ लगा, तो शायद पहुँच जाए, वरना तो कोई उम्मीद नहीं है। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।